ये बात उस समय की है जब धीरूपुर गांव में एक खूनी बंदर का आतंक हुआ करता था। उस बंदर का आतंक इतना हुआ करता था कि लोगों ने अपने बच्चों को खुद से दूर शहर भेजना शुरू कर दिया था और जो बच्चे गांव में बचे थे उन्हें भी देर शाम के बाद घर से निकलने नहीं दिया जाता था, क्योंकि अगर कोई बच्चा देर शाम के बाद अपने घर से बाहर रह जाता तो उसे उस बंदर से बचाना नामुमकिन हो जाता। वो बंदर किसी भी बच्चे को अकेला देख उसके चेहरे पर अपने बड़े बड़े नाखूनों से हमला करके उसको जख्मी कर देता। गांव के लोगों ने बच्चों की रखवाली के लिए एक चौकीदार भी रखा, पर फिर भी बंदर का आतंक रुका नहीं। चौकीदार के रहते हुए भी बंदर बच्चों पर लगातार हमले करता रहा। एक दिन कुछ बच्चे गांव के स्कूल के मैदान में कबड्डी खेल रहे थे, तभी उनमें से एक बच्चा जिसका नाम लक्ष्मण था सभी से बोला, अरे सुनो भाइयों, जल्दी खेल को खत्म करो, देख नहीं रहे अंधेरा हो रहा है। तभी लक्ष्मण को जवाब देते हुए भरत ने कहा, हाँ हाँ चलते हैं, बस थोड़ी देर और। तभी लक्ष्मण और भरत की बात को बीच में काटते हुए उनके एक दोस्त नवीन ने कहा, अरे यार इतना क्यों परेशान हो रहे हो, चलते हैं आराम से, अभी अंधेरा कहाँ हुआ है। ये लोग अभी बात कर ही रहे होते हैं तभी वहाँ गांव का चौकीदार श्रवण आ जाता है, अरे बच्चों तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो, घर क्यों नहीं गए अभी तक, जानते हो। अरे हाँ श्रवण चाचा, हमें पता है, बस जा ही रहे हैं। अरे यार हमें जल्दी आओ, मैच पूरा करना है। हाँ हाँ अभी आया। अपनी बात कहकर श्रवण आगे बढ़ जाता है और बच्चे खेलने में मगन हो जाते हैं। इसके बाद अपना खेल पूरा करके बच्चे अपने अपने घर की ओर चल पड़ते हैं और आखिर में लक्ष्मण बच जाता है। अंधेरा बहुत हो चुका था और लक्ष्मण अकेला था, इसीलिए वो डरते डरते आगे बढ़ रहा था। तभी अपने घर की ओर जाने वाली गली से कुछ पहले लक्ष्मण एक चीज को देखकर ठिठक जाता है। उस खतरनाक दिखने वाले प्राणी की लाल रंग की आंखें और बड़े बड़े सफेद दांत देखकर लक्ष्मण सहम जाता है। वो इतना डर जाता है कि डर से उसकी चीख भी नहीं निकल पाती। इससे पहले कि लक्ष्मण भाग पाता, उस बंदर जैसे दिखने वाले खूंखार प्राणी ने अपने बड़े बड़े नाखूनों से लक्ष्मण के चेहरे पर वार कर कर उसे घायल कर दिया। लक्ष्मण वहीं बेहोश हो गया। बहुत देर बाद लक्ष्मण के पड़ोसी घासी राम ने अमित को बेहोश पड़े देखा तो गांव में शोर मच गया। उसके बाद पूरा गांव लक्ष्मण के घर इकट्ठा हो गया। तभी वहां गांव के मुखिया जी आए, जो अपने साथ गांव की पुलिस चौकी के थानेदार को भी लाए। थानेदार जी सीधे लक्ष्मण के पास जाते हैं, जो डर के मारे लगातार रोए जा रहा था। बेटा क्या हुआ था, जरा मुझे भी तो बताओ। देखो बेटा, बताओगे नहीं तो वो शैतान बंदर पकड़ा कैसे जाएगा। वो अच्छा चलो कोई बात नहीं। तभी वहाँ गांव का चौकीदार श्रवण दौड़ते हुए आता है। श्रवण सभी की ओर देखते हुए कहता है, क्या हुआ, सब ठीक है ना। तुम्हें गांव में रखा किस लिए गया है, तुम्हारे रहते हुए ये सब हो रहा है, तुम थे कहाँ अब तक। भैया अब इसमें मेरी क्या गलती है, अब गांव में हर जगह तो मैं नहीं हो सकता ना। तभी थानेदार की नजर श्रवण के हाथ पर पड़ती है, जिस पर लाल रंग जैसा कुछ लगा हुआ था। ये तुम्हारे हाथ पे क्या लगा हुआ है। अरे कुछ नहीं, बस वैसे ही। अच्छा तुम जाओ अपना काम देखो। सुनिए मुखिया जी, मेरे पास इस बंदर से निपटने की एक योजना है। इसके बाद थानेदार जी मुखिया जी के कान में कुछ कहते हैं। इसी बीच लक्ष्मण के माता पिता उसको पढ़ने के लिए शहर भेज देते हैं। लक्ष्मण पर हुए हमले के बाद उसके दोस्त भी बहुत दिनों तक बाहर नहीं निकलते। फिर एक दिन अचानक लक्ष्मण के दोस्त भरत और नवीन फिर से उसी मैदान में खेलने पहुँचते हैं। उस दिन भी उन्हें खेलते खेलते देर हो जाती है। बारी बारी से सभी चले जाते हैं और आखिर में सिर्फ नवीन रह जाता है। तभी फिर से चौकीदार श्रवण वहाँ आता है। नवीन को अकेला खेलते देख श्रवण उससे कहता है, अरे तुम अकेले यहाँ क्या कर रहे हो, घर लौट जाओ, नहीं तो वह बंदर तुम्हें भी नोच लेगा, चलो फटाफट निकल जाओ। हाँ चाचा अभी बस जा ही रहा हूँ। इतना कहकर श्रवण फिर से आगे बढ़ जाता है। नवीन कुछ देर खेलने के बाद घर की ओर चल देता है।
कुछ देर चलने के बाद एक छोटे से पत्थर से टकराकर नवीन की चप्पल टूट जाती है। चप्पल को ठीक करने के लिए नवीन एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। नवीन एक छोटी सी लकड़ी हाथ में लेकर अपनी टूटी चप्पल ठीक कर ही रहा होता है, तभी किसी के गुर्राने की आवाज आती है। नवीन पलटकर देखता है तो वो पाता है कि उसके पीछे वही काले रंग का शैतान बंदर खड़ा था। बंदर की लाल आंखें और बड़े दांत देखकर नवीन और भी ज्यादा घबरा जाता है। घबराकर वो अपने घर की ओर भागने लगता है। उसके पीछे वो बंदर भी भागता है। दौड़ते दौड़ते बंदर नवीन के पास पहुंच जाता है। जैसे ही बंदर नवीन को पकड़ने के लिए अपने हाथ बढ़ाता, वैसे ही एक जाल जैसी चीज उसके ऊपर गिरती है और वो बंदर उसमें फंस जाता है। बंदर के उस जाल में फंसते ही आसपास की झाड़ियों से 5 लोग निकल आते हैं। झाड़ी से निकले लोगों में मुखिया जी, थानेदार जी, लक्ष्मण के पिता, नवीन के पिता और गाँव का एक अन्य व्यक्ति होते हैं। उस जाल के पास जाकर पहले वो लोग उस बंदर की पिटाई करते हैं। पिटाई होते ही वो बंदर इंसान जैसी आवाज में बचाओ बचाओ चिल्लाने लगता है। पास जाकर जब थानेदार जी उस बंदर के चेहरे पर से बंदर वाला मास्क हटाते हैं, तो पाते हैं कि उस बंदर के भेष में और कोई नहीं बल्कि चौकीदार श्रवण था। श्रवण को देख बाकी सब हैरान हो जाते हैं। फिर गुस्से में मुखिया जी श्रवण से पूछते हैं, श्रवण तुम क्या कर रहे हो? मुझे माफ कर दीजिए, मुझे मारिए मत। हाँ, लेकिन तुम ये सब क्यों करते थे? ये सब करके तुम्हें क्या मिलता था? मारिए मत, मारिए मत, मैं सब बताता हूँ। मैं ऐसा गांव के लोगों के मन में डर बैठाने के लिए करता था। पर क्यों? ताकि लोग गांव छोड़कर चले जाएं। इससे तुम्हें क्या मिलता? क्योंकि जब से इस गांव में लोग आकर बसना शुरू हुए हैं, तब से यहाँ के आसपास के जंगल खत्म होने लगे हैं, और जंगल खत्म होने से यहाँ बसने वाले दुर्लभ प्रजाति के जानवर या तो खत्म होने की कगार पे हैं, या फिर खत्म हो चुके हैं। इसलिए मैं चाहता था कि लोग ये गांव छोड़कर चले जाएं, जिससे मैं दोबारा यहाँ जंगल बसा सकूं। अरे पर इसलिए ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम ये काम सबको साथ लेकर भी कर सकते थे। मैं गया था गांव के लोगों के पास ये बात लेकर, पर किसी ने मेरी बात नहीं सुनी, इसीलिए मुझे ये सब करना पड़ा। जो भी हो, तुम्हारा ये तरीका बहुत गलत था, और कानून के हिसाब से तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी, समझे? इसके बाद श्रवण को डर फैलाने के लिए जेल भेज दिया जाता है, और इसी के साथ गांव से शैतान बंदर का आतंक हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। पर इसके बाद गांव के सभी लोग मिलकर अभियान चलाते हैं और गांव के आसपास के खत्म होते जंगल को बचाने के लिए ढेर सारे पौधे लगाते हैं। तो दोस्तों, ये बात हमें हमेशा ध्यान रखनी चाहिए कि प्रकृति हमारी माँ है और इसकी रक्षा करना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। तो आप भी अपने घर के पास प्रकृति माँ के नाम का एक पौधा जरूर लगाएं।